हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? जैसे कि आपको पता है, मैं एक सीरीज श्रावण में लेके आई हूँ महादेव मंदिर की। तो लास्ट वीडियो में हमने गलतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इसके बाद में जाके आप देख लेना। आज हम जा रहे हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर, जो कुवड में है, ओलपाड़ रोड के ऊपर। और सूरत से सिद्धनाथ महादेव मंदिर की करीबन दूरी है 30 किलोमीटर, और बोटेनिकल गार्डन जो है वहां से करीबन 18 किलोमीटर, तो वहां से सीधा रोड आता है, तो आप उधर से आ सकते हो। ये आप देख सकते हो, हम पहुंच चुके हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर। ये काफी प्राचीन मंदिर है और इसका इतिहास जितना भी है वो मैं बताऊंगी आपको। ये हमने ले लिए थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए फूल। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, दर्शन करेंगे भगवान जी के। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है मंदिर का, और ये है सिद्धनाथ महादेव मंदिर, और ये पूरा इतिहास यहाँ पर लिखा गया है। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ लेना। ये यहाँ पर दीपक जलाने के लिए बनाया गया है, तो श्रावण के अंदर और रोज यहाँ पर दीपक जलाए जाते हैं, और शाम को बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का। पहले यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है शिव भगवान का, उनके दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे मेन मुख्य मंदिर के अंदर। वैसे भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है भगवान जी के दर्शन करने के लिए, काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से, पर श्रावण के अंदर तो काफ़ी भीड़ होती है, और यहाँ पर मेला भी लगता है। तो अगर आप आते हो दर्शन करने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये देख सकते हो, काफ़ी बड़ी जगह पर ये मंदिर बनाया गया है, और ये देख सकते हो आप मुख्य मंदिर, तो यहाँ पर भी आपको दर्शन कराऊंगी। और बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो जैसे देख सकते हो आप, यहाँ से है एंट्री। ये कुछ इस तरह का है मंदिर। चलिए चलते हैं भगवान जी के दर्शन करेंगे, और आपको भी कराएंगे दर्शन। और ये आप देख सकते हो, सामने ही भगवान जी है, और ये काफ़ी पुरानी और प्राचीन मूर्ति है भगवान जी की। ये यहाँ महादेव जी का शिवलिंग है, पीछे पार्वती माता जी है, और भी भगवान जी यहाँ पर है, उनके दर्शन कर लीजिए आप भी हमारे साथ में। और यहाँ पर काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और काफ़ी भीड़ होती है जैसे आप देख सकते हो, और दूर दूर से गाँव से लोग यहाँ पर यात्रा के हिसाब से भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं एक साथ में, ग्रुप में। एक तीर्थ के हिसाब से यहाँ पर पूजा होती है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और श्रावण में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए मैं आपको मंदिर का कुछ इतिहास बता देती हूँ। ये मूर्ति स्वयंभू है और अपने आप प्रकट हुई थी भगवान शिव की ये मूर्ति। इस मंदिर का निर्माण 1795 में बनना शुरू हुआ था, और 1803 या 1805 में ये मंदिर पूरा बनकर तैयार हुआ था, और करीबन 8 से 10 साल इस मंदिर को बनने में लगा था। तब से यहाँ पर मंदिर की पूजा होती है। उससे पहले यहाँ पर सिर्फ शिवलिंग ही था, और कहा जाता है कि श्री रामचंद्र भगवान जी ने भी यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की थी। बाहर एक राम कुंड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उस कुंड में श्री रामचंद्र भगवान जी ने वहाँ पर स्नान किया था, और फिर यहाँ पर भगवान जी की पूजा की थी। उस दिन मार्गशीर्ष 11 थी, तो आज के दिन भी यहाँ पर मार्गशीर्ष 11 के दिन यहाँ पर पूजा होती है, और यहाँ पर मेला भी लगता है। ऐसे बताया जाता है कि गोकर्ण मुनि की तपोबल से यहाँ पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। इस शिवलिंग का रंग बाकी शिवलिंगों से एकदम अलग है। पहले की समय की बात है कि यहाँ पर लुटेरे आए थे लूट करने के लिए, क्योंकि पहले शिवलिंग के नीचे काफ़ी सारा सोना, हीरे, जवाहरात रखे जाते थे। तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये शिवलिंग स्वयंभू है। उनको ऐसे लगा कि राजा ने यहाँ पर स्थापना की है, तो उन्होंने ज़रूर सोना चांदी यहाँ पर रखा होगा। तो यहाँ पर आकर लूट करने के लिए उन्होंने शिवलिंग को खंडित किया था, और काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह का ये शिवलिंग है, खंडित अवस्था में ये शिवलिंग है। जब लुटेरों ने शिवलिंग को खंडित किया, फिर उसके अंदर से मधुमक्खियाँ निकलने लगी, और काफ़ी मात्रा में वहाँ से मधुमक्खियाँ निकली थी, और उन्होंने मधुमक्खियों ने उन सारे लुटेरों का नाश कर दिया, ऐसी कहानी बताई जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार शिव पुराण में लिखा है कि खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है, पर यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। जब ऐसा तय हुआ था कि इस शिवलिंग को बदल के दूसरी शिवलिंग नई स्थापना की जाए, तब मार्गशीर्ष 11 के दिन गुप्त गंगा का प्रगटाव हुआ था, और इस एरिया में समुन्द्र पास में होने की वजह से खारा पानी है सब जगह पर इसके शिवलिंग के अंदर से जो भी पानी आता है वो मीठा पानी आता है और आज तक निकलता है। ये सामने जो संत की समाधि आपको दिख रही है, उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। ये सब संत की समाधि।
यहाँ पर जहाँ जहाँ शिवलिंग बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आंकड़े का पेड़ है और कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, व्हाइट कलर के हैं। और ये आप मंदिर देख सकते हो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। और चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, यहाँ पर ऊपर काफी सारी साधु महात्माओं की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। और ये आप काल भैरव भगवान जी के भी दर्शन कर लीजिए। और ये यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर, तो इनके भी दर्शन कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये सामने रेलिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोगों की लाइन लगती है दर्शन करने के लिए श्रावण में शिवरात्रि पे, तो काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी लोग यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आपने अभी तक आके यहाँ पर दर्शन नहीं किए तो वो आप ज़रूर कीजिए आके। और ये है राम कुंड, तो इसका जो बोर्ड लगा हुआ है, इतिहास है, वो भी आप यहाँ पर चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पर रामचंद्र भगवान जी ने स्नान किया था और फिर की थी शिवलिंग की पूजा। और ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पर 18,000 ऋषियों ने भी स्नान किया था, तो वो एक अलग कहानी है जो बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहो तो आप पॉज करके पढ़ लेना। और इस मंदिर से एक और मंदिर की कहानी भी जुड़ी हुई है, वो है स्वयंभू हनुमान मंदिर, तो उसके दर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको कराऊंगी। और ये आप देख सकते हो ये है बाण गंगा, तो यहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान जी ने तीर से निशाना लगाकर गंगा जी को प्रकट किया था। और ये सामने आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो समाधि दिख रही है गोकर्ण ऋषि की है। और स्वयंभू हनुमान जी के मंदिर के दर्शन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगले सोमवार को मिलेंगे ऐसे ही कोई महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।